नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। महाराष्ट्र में भाजपा के सोशल मीडिया सेल के एक सदस्य ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी को महाराष्ट्र की राबड़ी देवी बताया है। जी हाँ, बिहार के सबसे बड़े विपक्षी दल यानी राजद उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी का उन्होंने कंपैरिजन किया है और कहा है कि जैसे बिहार में राबड़ी देवी है वैसे ही महाराष्ट्र की राबड़ी देवी उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस बात का खुलासा भी हम आपके सामने करेंगे। लेकिन आपको ये पहले बता दें कि उनके विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है और ऐसे में बड़ा एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। क्या है यह पूरा मामला और आखिर भाजपा के सदस्य ने उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी को राबड़ी देवी क्यों बताया है, आइए इसके पूरे अपडेट आपको बताते हैं। गुरुवार को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी को मराठी राबड़ी देवी कहने वाले महाराष्ट्र भाजपा के सोशल मीडिया सेल के सदस्य को हिरासत में ले लिया है। मुंबई पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेन गजरिया नाम के एक शख्स ने 4 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। फोटो के कैप्शन में लिखा हुआ था मराठी राबड़ी देवी। दरअसल यह कैप्शन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, क्योंकि चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला था। गौरतलब है कि भाजपा कार्यकर्ता जितेन गजरिया का एक ट्वीट जांच के दायरे में है, जो उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर दिया था। जितेन गजरिया को हिरासत में लिए जाने को लेकर उनके वकील और भाजपा के सचिव विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि साइबर पुलिस के बिना कारण बताए उन्हें थाने में मौजूद रहने के लिए एक पत्र जारी किया गया था। मेरे मुवक्किल ने उनके निर्देशों के अनुसार खुद को पुलिस के सामने पेश किया और एक घंटे से अधिक समय से उनसे पूछताछ भी की गई। इस मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। बता दें कि पिछले 12 नवंबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी हुई थी। उन्हें 2 दिसंबर को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। इस समय वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इन्हीं वजहों से उन्हें 22 से 28 दिसंबर तक चले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी हिस्सा नहीं लिया था। इसी को लेकर पिछले कुछ समय से भाजपा सहित कई पार्टियां किसी अन्य को मुख्यमंत्री पद का प्रभार देने की मांग कर रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार ने भी कहा कि रश्मि ठाकरे एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकती है। अब्दुल सत्तार ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित हो पाएंगी। वे सिर्फ चूल्हा चौका और बच्चों की देखभाल के काम के लिए नहीं है, वे लगातार सक्रिय रहती हैं। सीएम के कई बड़े फैसलों में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। ऐसे में अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो एक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकती है। महाराष्ट्र भाजपा सोशल मीडिया सेल के सदस्य ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी रश्मि ठाकरे को महाराष्ट्र की राबड़ी देवी बताया है और साथ ही साथ उनके इस बयान को काफी विवादित माना जा रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है और लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि भाजपा के सदस्य ने उन्हें ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब चारा घोटाला के मामले पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफा देने के बाद उनके पदभार को बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी ने संभाला था। वैसे ऐसे में जहां एक तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत लगातार खराब चल रही है, उनकी सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी भी हुई है, लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पदभार अब रश्मि ठाकरे के हाथों में सौंप देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।